Hi guys, how are you all? I hope you all are absolutely fine. Welcome to my channel Mudralogy. I'm Mudra. I make videos regarding health, lifestyle and fitness. So guys, today is episode 1 of our celebrity diet plan series. So guys, हमारी आज की जो celebrity है वो है करीना कपूर. तो गाइस, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि करीना कपूर का जीरो फिगर का कमाल क्या है, उसका क्या राज है. तो और उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन से डाइट्स फॉलो करती है. तो गाइस, आइए देखते हैं कि करीना कपूर के डाइट प्लान के साथ साथ उनके पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के कौन से फैक्टर थे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. तो गाइस, मैं आपको डाइट प्लान शेयर करने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि उसकी डाइटिशियन ने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है. तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट ये है कि उन्होंने बताया है कि करीना अपने मील में मिल्क को जरूर इंक्लूड करती है, क्योंकि मिल्क का बहुत ही बड़ा योगदान होता है. क्योंकि गाइस, कहा गया है कि एक सिंगल प्रेगनेंसी वुमेन के बॉडी में 5 साल तक का कैल्शियम निकल जाता है. तो गाइस, इससे अच्छे से इजीली पता चलता है कि कोई भी वुमेन के बॉडी में एक प्रेगनेंसी के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है. तो एवरी वुमेन शुड इंक्लूड कैल्शियम रिच फूड इन देयर डाइट. गाइस, वेट लॉस के बारे में मत सोचिए, हेल्दी वेट लॉस के बारे में सोचिए और ऐसा वेट लॉस करिए कि आप हेल्दी भी रहे, तंदुरुस्त भी रहे. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी डाइटिशियन ने ये भी ध्यान रखा है कि करीना के बॉडी में विटामिन B12 की कमी ना हो, क्योंकि देखा गया है कि जो भी न्यू मॉम्स होती है उनके बॉडी में ज्यादातर B12 की कमी होती है, क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती है. जब नींद आधी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती, तो बॉडी में B12 की कमी हो जाती है. तो गाइस, B12 की कमी ना होने के लिए उनकी डाइटिशियन ने उनको रेकमेंड किया है कि वो तिल के लड्डू खाए, जो कि वो विटामिन B12 से भरे हुए होते हैं, ताकि उनको B12 की कमी ना हो. सो गाइस, अभी हम थर्ड पॉइंट देखते हैं ये कि रुजुता दिवेकर ने करीना कपूर को हमेशा क्रैश डाइट से दूर रखा है. क्योंकि गाइस, जब भी क्रैश डाइट करते हैं तो हम हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल बहुत ही कम कर देते हैं. तो जब कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल कम होता है गाइस, तो आपके बॉडी के हार्मोन्स खराब हो जाते हैं. जब आपके बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस होने चालू हो जाते हैं, तो आपको कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है, तो जो कि बहुत ही खराब बात है. तो हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए और ना ही इसको प्रमोट करना चाहिए. तो गाइस, कम खाना कभी भी वेट लॉस के लिए अच्छा कारण नहीं बन सकता. हमें अगर कुछ खाना है तो हेल्दी खाना है, और क्या खाना है वो हम देखेंगे. और गाइस, इसके अलावा उनकी डाइटिशियन ये भी ध्यान रखती है कि करीना कपूर घी जरूर खाए, क्योंकि घी में Omega-3 and 9 बहुत ही अच्छा होता है, जो कि फैटी एसिड्स होते हैं. तो गाइस, करीना कपूर अपने दिन की शुरुआत पैक्ड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स के साथ करती है. तो जब वो वर्कआउट करने जाती है जिम में, उसके बाद अपना पोस्ट वर्कआउट में वो प्रोटीन शेक लेना नहीं भूलती, क्योंकि उससे उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है. और अगर उसको ज़्यादा भूख लगी हो तो मल्टीग्रेन सैंडविच भी खा लेती है. तो गाइस, अब बात करते हैं लंच की. तो गाइस, लंच में करीना कपूर सबसे पहले एक बोल मिक्स वेजिटेबल सूप या कोई भी एक वेजिटेबल का सूप लेती है, और 1 बोल ऑफ फुल वेजिटेबल सैलड ले लेती है. और कभी कभी वो सिंपल घर का खाना खाती है, जिसमें कि हो गया रोटी, दाल, चावल एंड सब्जी. तो गाइस, अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की. इवनिंग स्नैक्स में करीना कपूर प्रेफर करती है कि वो मिल्क जरूर पिए, या तो सोया मिल्क, और उसके साथ वो ड्राई फ्रूट ऐड करना नहीं भूलती, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स आर रियली वेरी गुड फॉर हेल्थ. इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर हार्मोन्स. अभी बात आती है डिनर टाइम की. डिनर में करीना कपूर दाल और सब्जी लेती है, और उसके साथ वो ब्राउन राइस भी लेती है. वो रात को रोटी अवॉइड करती है जनरली, और कभी कभी वो सिर्फ सूप एंड सैलड भी खा लेती है. तो गाइस, ये बात हो गई करीना कपूर के हेल्दी डाइट प्लान की, ना ही वेट लॉस प्लान की. तो ये हो गया है करीना कपूर का हेल्दी डाइट प्लान. तो गाइस, इस हेल्दी डाइट प्लान को बेस बनाकर मैं एक अच्छा सा डाइट प्लान बना के आपको रेडी करके देती हूँ. तो गाइस, प्लीज स्टार्ट नोटिंग डाउन, टेक अ पेन पेपर. तो गाइस, एज सून एज यू वेक अप, मेक अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर एंड ऐड एप्पल साइडर विनेगर इन इट. लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकफास्ट. इन योर ब्रेकफास्ट यू विल हैव 1 फुल बोल ऑफ म्यूजली, ऑब्वियसली विदाउट शुगर, दैट इज शुगर फ्री, और यू विल हैव 1 पराठा विद दही. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लंच. 2 चपातीज, 1 बोल ऑफ सब्जी, 1 बोल ऑफ सैलड एंड 1 बोल ऑफ दाल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवनिंग स्नैक्स. इन योर इवनिंग स्नैक्स यू कैन हैव ड्राई फ्रूट और नट्स विद मिल्क,
or else fruit salad. Now let's talk about late evening snacks. In your late evening snack, you can have a bowl of sprouts that should be raw and full of vegetables with green peas. Now let's talk about dinner. In your dinner, you'll be having one full bowl of brown rice and little bit of or half or full bowl of boiled vegetables. Now let's talk about before bedtime. Then you'll have to make a full glass around 250 ml of hot milk, add saffron and almond. So I hope you enjoyed my diet plan, Kareena Kapoor ka diet plan. So guys, ऐसे ही कल हम मिलेंगे नए celebrity के diet plan के साथ. तो अगर आपको मेरा video पसंद आया हो तो उसको like ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए subscribe करना ना भूले. Mudra is signing off from Mudralogy right now. So guys, see you tomorrow. Till that, wishing you a good health. Bye bye. Take care.